एक मेन डाली में 100 फल, तो आपका 5 डाली रहता तो 500 फल, 500 फल नमस्कार को। किसान भाइयों, आज हम आपको जो दिखा रहे हैं बारी वन माल्टा, बी वन माल्टा, जो बारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट, बारी यूनिवर्सिटी, उधर से आया हुआ है, बांग्लादेश का वैरायटी है इसका। जो है 1 साल का पेड़ में कैसा फ्रूटिंग आता है वो हिसाब से बात करेंगे, और साल में कितना बार फ्रूट देता है इसका बारे में बात करेंगे। सो ये जो पेड़ आप देख रहे हैं 1 साल का पेड़ है, और इस पेड़ में आप देखता तो आज जनवरी का 31 जनवरी है, और आज का डेट में देखिए इसमें फुलवार भर गया है। हालांकि ये जो फर्स्ट फ्रूटिंग है इसीलिए ट्रायल बेस के लिए फ्रूटिंग आता है, फर्स्ट ईयर में कम ही फ्रूटिंग फ्लोरिंग आता है, काफ़ी कम ही फ्रूट फ्लोरिंग आता है। आज हम आपको दिखा रहे हैं जो इसमें कैसा फ्लोरिंग आता है और साल में कितना बार आता है। हम जैसा पिछले वीडियो आप देखा होगा, अक्टूबर में हम एक वीडियो की रिकॉर्डिंग किया था, वही टाइम में लास्ट ख़त्म हो गया था फ्रूटिंग, उसका भी वीडियो आप देखा होगा। और उसका बाद में आज जनवरी का लास्ट है, आज का डेट में आप इसमें फ्रूटिंग का मात्रा देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी इसमें फ्लोरिंग आया हुआ है। मतलब साल में 2 बार देता है, एक होता है ये जो फ्लोरिंग आ रहा है, एक पूरा भरपूर गर्मी में फ्रूट हार्वेस्टिंग होगा। ओके, 3 महीना, 3.5 महीना लगता है फ्रूट फल बनने के लिए, मतलब अप्रैल अप्रैल का लास्ट से ये फ्रूट हार्वेस्टिंग चालू हो जाएगा, जून महीना तक इसका ख़त्म हो जाएगा, जुलाई से फिर फ्लोरिंग फ्रूटिंग चालू होगा जो अक्टूबर तक ख़त्म हो जाएगा। सो 2 बार ही इसका फ्लोरिंग फ्रूटिंग आता है, ट्रायल बेस के लिए देख सकते काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग आया है। हालांकि 1 साल का पेड़ है ये, वही हिसाब से आप देखता तो फ्लोरिंग काफ़ी अच्छी आया है। इसका क्या होता है, जो नया नया ब्रांचेस आता है आपको वैसा जो पका हुआ ब्रांच, मैच्योर ब्रांच से जो नया नया ब्रांचेस आता है उस ब्रांच में ही फ्लोरिंग आता है जो आप देख पा रहे हैं। और ये जो डाली है, इस डाली में देखिए पूरा भरपूर फ्लोरिंग आप देख पाएंगे। और ये जो होता है पैसा माल्टा भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें देख सकते हैं आप पैसा का तारा छोटा उम्र में फ्रूट में ये आया हुआ है, और इस साइड में भी दिखाएंगे कुछ फल भी आया हुआ है इसमें। देखिए ये जो है फल भी आया हुआ है जिसका, देखिए पैसा का, हालांकि पैसा का चक्कर, ये जो चक्कर देख रहा है वे तो काफ़ी से मौसमी में भी रहता है, ये इसका मार्क नहीं है। जहाँ से भी लेना है आपको विश्वास का जगह से, ट्रस्टेबल जगह से लेना है ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो पाए। ओके, आज का टाइम में इंडिया में काफ़ी अच्छी मार्केटिंग हो रहा है यही माल्टा का, क्योंकि ये जो वैरायटी आज इंडिया में जो मौसम भी मिलता है वो साल में 1 बार ही देता है, वो भी बारिश का टाइम में देता है, मानसून सीजन में देता है। और ये जो वैरायटी है 2 बार देता है, 2 बार जो टाइम में इसका सबसे ज़्यादा डिमांड रहता है, एक होता है गर्मी में, अभी जो फ्लोरिंग आप देख रहे हैं नींबू में या माल्टा में, मौसमी में जो भी फ्लोरिंग आएगा वो भरपूर भारी गर्मी में फ्रूटिंग मिलेगा, और उसका बाद में जब भी बारिश में जो फ्लोरिंग आएगा वो पूरा सर्दी में फ्रूटिंग आता है। और ये 2 बारी मौसमी का ज़्यादा डिमांड रहता है, और ये जो होता है मौसमी का तरह ही होता है, मौसमी का तरह ही काट के खाना पड़ता है जैसा हम आपको पिछले वीडियो में दिखाया था। और देखिए फ्लोरिंग आने का मात्रा वैसा ही फ्लोर आता है इसका, कोई भी ऐसो भी जगह में कोई भी डाली में फ्लोर नहीं आता है, सभी का ऐसा जो डाली रहेगा, डाली का गुच्छी में आपको फ्लोरिंग आएगा। ओके, जैसा आप देख रहे हैं ये देखिए, ये जो डाली आया है एक डाली में देखिए 2, 4, 6, 8, 10 का ऊपर फ्लोर है एक डाली में, और सभी फ्लोर सेट हो चुका है, देखिए कोई भी फ्लोर नहीं झरेगा। ओके, वैसा ये जो डाली है 10 रहेगा, ये जो डाली है 10 रहेगा, और एक मेन डाली में आप देखता तो देखिए 1, 2, 3, 4 डाली है, मतलब एक गुच्छे में, एक मेन डाली में 40 के ऊपर फ्लोर है, और ये जो उसका भी मेन जो डाली है 3 डाली है, 3 डाली में ही फ्लोरिंग आप देख पाएंगे। ये जो एक है, ये एक है और ये वाला एक है, 3 डाली में आप फ्लोर देख पाएंगे, काफ़ी अच्छी वैसे ही इसका यील्ड आता है। जब भी पूरा आपका 2 साल बाद में जब भी पूरा प्रोडक्शन चालू होगा ना, इसका मेन प्रोडक्शन चालू होता है 2 साल में, आफ्टर 1 ईयर ये आया है, आफ्टर 2 ईयर आएगा 2 साल वाला, तब भी देखेंगे जितना भी ब्रांच का मेन डाली रहेगा ना सभी ब्रांच में भरा हुआ रहेगा फल फूलों से, वैसा भरा हुआ रहेगा। सो इस हिसाब से देखिए काफ़ी अच्छी इसमें फ्लोरिंग आया हुआ है ये वैरायटी। आज का टाइम में मौसमी का बाग आप तैयार करना चाहते हो तो आपके लिए ये जो वैरायटी है यही सबसे ज़्यादा बेस्ट है। ओके,
इधर भी आप देखता तो इस साइड से भी देखता तो देखिए काफ़ी अच्छी फ्लोरिंग इसमें आया हुआ है। सो ये वेराइटी का ऊपर आपको काम करना है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए ये जो जगह है कितना ज़्यादा फला, एक साल, हालांकि एक साल का पेड़ है, वही हिसाब से देखिए कितना ज़्यादा फ्लोरिंग फ्रूटिंग। देखिए इस जगह में 100 का ऊपर फल लगा हुआ है, एक मेन डाली में 100 फल, तो आपका 5 डाली रहता तो 500 फल मतलब कितना किलो हो रहा है आप हिसाब करके देखिए, इतना ज़्यादा यील्ड इसमें आता है। ओके, हर देखिए हर डाली में लगभग 8-9 करके फ्लोअर आया हुआ है। ओके, हर छोटा छोटा इसका क्या होता है, ये जो मेन डाली होता है इसमें से 3-4 ब्रांच में कन्वर्ट होता है, फिर ये जो डाली होता है इसका भी 3-4 ब्रांच में कन्वर्ट होता है, ये जो सेकेंड डाली है इसका जो कन्वर्ट होता है उसमें आता है फ्लोअरिंग इसका, जैसा आप देख रहे हैं। ओके, इसमें देखिए इसमें 10 का ऊपर फ्लोअर है, 2, 4, 6, 8, 10, इसमें भी 10 है, वैसे ही 10 बड़ा करके एक एक छोटा छोटा डाली में 10 बड़ा करके फ्रूटिंग रहता है। जैसा आप मेरा पिछले वीडियो में देखा था, देखिएगा गुच्छी में फल आया हुआ है वैसे इसका फल आता है। सो इस वैरायटी के ऊपर रिक्वायरमेंट रहता तो कांटेक्ट कर सकते हैं, और ये वैरायटी बहुत ही अच्छा है। मौसम्बी का बाग तैयार करना चाहते हो तो आपके लिए ये वैरायटी परफेक्ट रहेगा। सो ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।